हेलो व्यूवर्स, क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी लैपटॉप बहुत धीमे चलने लगता है तो आप अपनी सी ड्राइव को अगर क्लीन कर दीजिए तो आपका सिस्टम अच्छे से चलने लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमको विंडो और आर दबाना पड़ेगा, तो सर्च बटन आ जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा टेम्प। जब आप टेम्प लिखिएगा तो आपकी टेम्पररी फाइल की सारी सेटिंग आ गई, और ये टेम्पररी फाइल जो आएगी इन सबको कंट्रोल ए के सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिएगा, तो आपकी सारी टेम्पररी फाइल चली जाएगी। और जो नहीं जाएगी उसको स्किप कर जाइएगा, क्योंकि वो कहीं पे इन्वॉल्व है और रन हो रही है। दूसरा तरीका है, जब विंडो और आर आप दबाते हैं तो यहाँ पर टेम्प परसेंट के साथ आप दबा सकते हैं। इस समय भी जो फाइल आपकी आएगी उसको आप डिलीट कर दीजिएगा। तो ये देखिए आ रहा है, कंट्रोल ए करके इसको डिलीट कर दीजिए। जो नहीं डिलीट होगी इसको हम लोग स्किप कर देंगे, तो क्योंकि हम लोग पहले ही कर चुके थे इसलिए नहीं हुआ। फिर से विंडो प्लस आर दबाइएगा, यहाँ पर लिखिएगा प्री फेच। अभी आपके सामने जो फाइल आएगी उन सबको सेलेक्ट करके और आप डिलीट कर दीजिएगा। तो जितनी फालतू फाइल है सब हट जाएगी, और जो नहीं हटेगी उसको फिर स्किप कर दीजिएगा। इसी तरह से हम क्रोम में थ्री डॉट को दबाएंगे जब, तो यहाँ पे देखिए एडवांस सेटिंग आएगी। एडवांस सेटिंग में आप डाउनलोड की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। देखिए सी ड्राइव में जा रहा है जितना डाउनलोड है, तो यहाँ पे अगर कोई दूसरी ड्राइव दे दीजिएगा तो सी में नहीं जाएगा, तो जल्दी आपकी सी नहीं भरेगी। इसके अलावा आप फिर से विंडो आर दबाइए, यहाँ पर क्लीन एम जी आर लिखिए। सी नहीं टाइप हुआ था इसलिए नहीं गया उसमें, क्लीन एम जी आर लिखिए। तो ये देखिए आपकी सी ड्राइव आ गई। सेलेक्ट द ड्राइव यू वॉन्ट टू क्लीन अप, यहाँ पे ओके करिएगा तो आपकी सी ड्राइव को वो एनालाइज करके बता देगा कि कौन कौन सी प्लेस पे आप सी ड्राइव को क्लीन कर सकते हैं। अभी उसको थोड़ा सी टाइम लगेगा। ये एसेस करने में कि किस किस जगह पर हम ड्राइव को क्लीन कर सकते हैं, तो हमने टेम्पररी फाइल ऑलरेडी डिलीट कर रखी है, अभी वो मैनिपुलेट कर रहा है और एनालाइज कर रहा है कि मेमोरी कहाँ कहाँ पर क्लीन की जा सकती है। तो जब वो एक्सेस कर लेगा, एसेस कर लेगा, एनालाइज कर लेगा, तो वो सारे ऑप्शंस आपको दिखा देगा। उसके अलावा यहाँ पे धीमे कर रहा, ये आ गया देखिए, डाउनलोड प्रोग्राम फाइल, टेम्पररी फाइल, सिस्टम एरर मेमोरी फाइल, रिसाइकल बिन और थंबनेल, इतनी चीजें आप यहाँ से अगर ओके कर दीजिएगा तो डिलीट हो जाएगी। तो हम लोग ओके कर देते हैं, देखते हैं क्या करता है, तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अब देखिए आपकी ये रिसाइकल बिन भर गई है, तो इसको राइट क्लिक करिए और एम्प्टी रिसाइकल बिन कर दीजिए। आर यू श्योर? यस। तो अगर आप इसको नहीं खाली करते हैं तो आपकी सी ड्राइव खाली नहीं होती, क्योंकि वो रिसाइकल बिन में उसकी मिरर फाइल रह जाती है। अभी हम सर्च में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टोरेज।
तो अब देखिए स्टोरेज की स्पेस कहाँ होती है, मैनेज कैसे कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट सेव लोकेशन क्या है, तो हम लोग की सी है। अब ये सारी फाइल्स जो सेव हैं वो सारा दिखा रहा है, तो इस तरह से स्टोरेज में हम पर्टिकुलर पोजीशन पे जा सकते हैं। जब हम स्टोरेज खोलते हैं तो हमें ऑप्शन मिल जाता है फाइल एक्सप्लोरर, वन ड्राइव और सेटिंग लुकिंग फॉर रिजल्ट। यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर जो हम खोलेंगे और ऑल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, तो फाइल एक्सप्लोरर में वो सारी पोजीशंस दे देगा जहाँ जहाँ पर आप फाइल को सेव करते हैं, जहाँ जहाँ फाइल की स्टोरेज होती है, तो आप वहाँ जा करके जो फाइल आपको फोल्डर और फाइल्स को डिलीट करना है आप वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए इसने सारे फोल्डर्स और फाइल्स दे दी और लोकेशन दे दिया कि कहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन सेव है। तो इस तरह से ये देखिए थंबनेल है आपका, यहाँ पे वन ड्राइव है, पिक्चर है आपकी, ये सारे फोल्डर्स दे देगा आपको, जो फोल्डर्स नहीं रखने हैं वो वहाँ से आप हटा सकते हैं। तो इस तरह से हम स्टोरेज को अपनी क्लीन कर सकते हैं, इनको हम आप किसी दूसरी ड्राइव में सेंड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब जैसे ढेर सारे वीडियो मेरे बन जाते हैं तो उसको हम एफ में ट्रांसफ़र कर देते हैं, पिक्चर जो बन जाती है, ये सारी इमोजी उमोजी हम लोग यूज़ करते हैं यूट्यूब पे, उसको हम दूसरी जगह भी रख सकते हैं, म्यूज़िक को हटा सकते हैं, डाउनलोड की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, सी की जगह डी ई किसी में भी रख सकते हैं, और डॉक्यूमेंट की पोजीशन यहाँ से सेव करके फाइल को हम किसी और ड्राइव में भेज सकते हैं, डेस्कटॉप की इंफॉर्मेशन को हम भेज सकते हैं दूसरी जगह पे। तो इस तरह से हम स्टोरेज में जाकर भी अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये सी ड्राइव का हम लोग जो ऑप्शन हम लोग ने दे रखा है, अगर हम उसको चेंज करना चाहें तो हम लोग उसको टेम्प फाइल में, टेम्प्ररी फाइल हमारी इसमें ना आए। देखिए यहाँ पे आपका कुकीज़ टेम्प्ररी फाइल से डिलीट हो जाएगा। टेम्प में जाएंगे हम लोग तो टेम्प्ररी फाइल में देखिए ढेर सारी इंफॉर्मेशन आ गई, यहाँ पर बैकअप है और ये फिल्मोरा का दे रहा है, ये फिल्मोरा का इंफॉर्मेशन हम हटा सकते हैं क्योंकि वंडर शेयर हम लोग ने हटा दिया, तो जो फाइल आप हटाना चाहिएगा उसको आप हटा सकते हैं और जिस जगह पे रखना चाहिएगा रख सकते हैं। ये देखिए इतने ऑप्शन आएगा, हाउ टू हाइड योर चैनल टेम्पररी पीएनजी, चैनल आर टेम्पररी फाइल, चेंज टेम्पररी इंटरनेट फाइल सेटिंग, इंटरनेट फाइल सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए याहू दिया हुआ है, आप गूगल क्रोम देना चाहिए तो दे सकते हैं, इसकी प्राइवेसी कंटेंट का प्रोग्राम एडवांस ये सारी चीज़ें हम लोग सेट कर सकते हैं यहाँ से। स्टोरेज में स्टोरेज पाथ आपको नहीं पता तो पता कर सकते, ये देखिए कहाँ पे पाई चार्म प्रोजेक्ट यहाँ पर ये सेट किया हुआ है, तो इसको सोर्स स्टोरेज पाथ जो है आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये पाई चार्म का प्रोजेक्ट बनाते समय सेट किया गया होगा इसलिए है। स्टोरेज में और भी बहुत सी चीज है, स्टोरेज में स्टोरेज स्पेस कहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, अभी हम गए थे डिफॉल्ट सेव लोकेशन हम चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सी ड्राइव में क्या क्या चीज हमारी सी ड्राइव में सेव हो रही है, डॉक्यूमेंट और म्यूजिक पिक्चर और वीडियो, तो यहाँ से अगर आप ड्राइव चेंज कर दीजिए, ई एफ हमारे पास और
तो उसमें चला जाएगा। ऑफलाइन मैप्स हटा सकते हैं, डिफ़ॉल्ट ऐप्स हटा, ऐप्स के फीचर्स हटा सकते हैं। आप जो ऐप्स नहीं यूज़ कर रहे हैं उसको हटा दीजिए, तो आपकी स्टोरेज बढ़ जाएगी और आपकी इंफॉर्मेशन सॉर्ट बाय साइज कर दीजिए, तो आपका ऐप्स साइज के हिसाब से आ जाएगा। शो ऐप्स ऑन ऑल ड्राइव, सारे ड्राइव के ऐप्स को दिखा देगा। वो प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। सर्च सॉर्ट एंड फिल्टर बाय ड्राइव इफ यू वुड लाइक टू अनइंस्टॉल और मूव एन ऐप सेलेक्टेड फ्रॉम लिस्ट। अब जो ऐप्स आप नहीं यूज कर रहे उसको यहाँ से हटा दीजिए, जिससे आपका वर्किंग पावर अच्छी हो जाए। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हम नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ से इसको हटा सकते हैं। देखिए अनइंस्टॉल मांग रहा है, ये इजी वीडियो मेकर हट सकता है, वीएलसी मीडिया प्लेयर और पाइथन तो यूज हो रहा है। इस तरह से जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनमें से जिनको आपको नहीं यूज करना है वो सब आप यहाँ से हटा दीजिए। जब आप हटा दीजिएगा तो आपकी स्पेस बढ़ जाएगी और आपका वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इसको डिस्प्ले सिस्टम का कैसे होगा, नोटिफिकेशन कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेन हमारा यहाँ पर है कि स्टोरेज को हम कैसे चेंज करें। तो देखिए ई में बहुत कम सेव है, एफ में थोड़ा सेव है और सी में 79.7 GB यूज है और 97.6 GB हमारा टोटल उसकी कैपेसिटी है। तो सुबह ये बहुत कम था, जब हम सी की कैपेसिटी ले रहे थे तो 9 GB दिखा रहा था। अभी देखते हैं कि इसको क्लीन करने के बाद ये कितना दिखा रहा है। तो सी में जा कर के राइट क्लिक करिए और प्रॉपर्टी में जाइए, तो ये दिखा देगा। ये देखिए इस समय 9 की जगह 7.17.8 हो गया। तो इस तरह से टर्म फाइल, प्रीपेज फाइल, स्टोरेज की सेटिंग, ये और डिस्क क्लीन देखें यहाँ से आ रहा है। राइट क्लिक करिएगा आप तो यहाँ से प्रॉपर्टी में जाइएगा जब, तो डिस्क क्लीन दिखाएगा, जो अभी हमने आपको क्लीन मैनेजर करके दिखाया था। तो यहाँ से आपकी फाइल वो पालतू फाइल उसको हटा देगा, और फाइल हट जाने से आप की सी जो है वो खाली हो जाएगी। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन एंड यू थिंक दैट यू गेट अ गुड सॉल्यूशन टू इंप्रूव योर सी ड्राइव कैपेसिटी और इंप्रूव द सी ड्राइव वर्किंग, देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्मर, फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल टेक रतन, और प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।